नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सैयद इनायत अली सेक्रेटरी के पीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नामांकित। आज कर्नाटक साहित्य संघ सांस्कृतिक हॉल बीदर में लोकगीत महोत्सव का किया गया आयोजन। रिम्स कॉलेज कैंपस के लेक्चरर हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 89वां वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री का बड़ा दिल कन्नड़ियों के प्रति कठोर क्यों? राज्य में सूखे हालात को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हुए हमलावर। दिवाली से पहले महंगी हुई प्याज, आंसू रोकने के लिए सरकार ने कर दिया ये ऐलान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चेयरमैन केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अब्दुल जब्बार ने सैयद इनायत अली को केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नामांकित किया है, जिसकी मंजूरी चेयरमैन एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इमरान प्रताप गढ़ी एमपी ने दी है और अपेक्षा की है कि सैयद इनायत अली की अवधि में कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरे राज्य कर्नाटक में ताकतवर हो जाएगा। बता दें कि सैयद इनायत अली एक हरक्याती नेता है और जिला बीदर में कांग्रेस को स्थिर बनाने और पार्टी के उम्मीदवार को सफल बनाने में सैयद इनायत अली की मुख्य भूमिका है। वो एक सादगी पसंद और दयालु व्यक्ति है, इसी कारण वो न सिर्फ माइनॉरिटी बल्कि दूसरे लोगों में लोकप्रिय है। सैयद इनायत अली कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के करीबी है और दोनों ही की गहरी दोस्ती है। सैयद इनायत अली ने अपनी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए नामांकित होने पर चेयरमैन एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्रताप गढ़ी एमपी और के अब्दुल जब्बार चेयरमैन केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कार्यकारी अध्यक्ष केपीसीसी व फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंडे मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान अब्दुल मन्नान सेठ केपीसीसी उपाध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बीदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को अधिक स्थिर बनाने के लिए कार्य करेंगे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आज 27 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर कर्नाटक साहित्य संघ सांस्कृतिक हॉल बीदर में कर्नाटक साहित्य संघ बीदर डॉक्टर एस एस सिद्धारेड्डी फाउंडेशन बीदर और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से लोकगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने किया, जबकि दूसरे मुख्य अतिथियों में डॉक्टर गुरम्मा सिद्धारेड्डी अध्यक्ष कित्तूर रानी चिन्नम्मा महिला मंडल बीदर धनराज हंगारगी युवा नेता बीदर शिवैया स्वामी सदस्य दिशा समिति भारत सरकार विरूपाक्ष गादगी अध्यक्ष धर्मस्थल मंजू नाथेश्वर ग्रामीण विकास जन जागरूकता मंच बीदर सुनील लाचन सचिव जिला कांग्रेस बीदर शंकर राव होन्ना अध्यक्ष कर्नाटक साहित्य संघ ट्रस्ट बीदर शामिल थे। इस अवसर पर बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और दूसरों का सम्मान किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर जगन्नाथ हेब्बाल अध्यक्ष कर्नाटक साहित्य संघ बीदर ने की। इस लोकगीत समारोह में कई कला दल ने भाग लिया और लोकगीत गाए और नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संबोधित किया। केबी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कपिल। कर्नाटक जनपद परिषद बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर इस सहकार में हम बीदर डिस्ट्रिक्ट में 4 प्रोग्राम आयोजन किया है। जो प्रथम प्रोग्राम हम बीदर जिले हुलसुर तालुका का बेलूर के गाँव में कल हो चुका है। उस प्रोग्राम में हम हमारा भारत देश के जो सुप्रसिद्ध जनपद टीम है मध्य प्रदेश से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उसके तौर और हमारा कर्नाटक के बहुत सारे लोकल टीम्स भी आए हैं। इस बहुत भव्य कार्यक्रम में लगभग 100 से 150 जो जनपद कला के कलाकारों ने परफॉर्म किया है। परसों बेलूर के गाँव में लगभग 7,000 के ऊपर लोगों ने इस लोक कला का आनंद लिया है। कल हम बीदर तालुका के मड़ेगांव ग्राम में अद्भुत प्रोग्राम आयोजन किया है और आज हम कर्नाटक साहित्य संघ के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में पूरे हमारे भारत देश के 5 स्टेट और लोकल के लगभग 15 से 20 लोक कलाकारों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे हैं और हम आज शाम में हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट के भालकी तालुका के जो स्वामी जी के मठ के आवरण में हम 6 बजे प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में भी ये सभी स्टेटों का लोक कलाकार और भालकी तालुका के
लोकल के जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है हमारा लोकगीत, लोक साहित्य, लोक कलाओं को बचा करना और आगे पीढ़ियों को इसके बारे में अवेयरनेस करने के उद्देश्य से हम बीदर डिस्ट्रिक्ट में हर साल ये प्रोग्राम बना रहे हैं। धन्यवाद। आज शुक्रवार 27 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर ब्रिम्स कॉलेज कैंपस के लेक्चरर हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 89वां 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बीदर के अलावा बेंगलुरु, हुबली, बल्लारी, गुलबर्गा से डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस समारोह में कार्डियक अटैक से होने वाली मौत और उससे बचाव के संबंध में बताया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर संबोधित किया गया और केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। सभी को नमस्ते। कर्नाटक राज्य के 79 ये राज्य सम्मेलन प्रथम बारी बीदर में हो रहा है, इसलिए सभी डॉक्टरों जो बाहर से आए हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, बेंगलोर, हुबली, बल्लारी, तुमकुर, गुलबर्गा से लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक 3 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस है, अच्छे होने दो बल्कि शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में आज विशेष तौर के आजकल के दौर में जो आदमी सड़न मर रहा है कार्डियक अरेस्ट होके, उसके बारे में कैसा बेसिक लाइफ सपोर्ट देना बोले के पूरे डॉक्टरों को सिखाई जा रहा है। और ये पूरा बीदर ज़िले में प्रचार कर रहा है, टीवी चैनल के मुखांतर सभी को पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि ये कहीं भी हो सकता है, आदमी बस स्टैंड में हो सकता है, रेलवे स्टेशन में हो सकता है, घर में हो सकता है, बैठे बैठे जगह हो सकता है। इसीलिए घर के लोग इसका क्या इंतज़ाम करना है, क्या इलाज करना, वो टीवी में देख के सीख लेना चाहिए। अगर इस कॉन्फ्रेंस से कम एक आदमी भी बचे तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। और दूसरा बोले तो आजकल का बच्चों को बड़ा करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उनको कैसा साइकोलॉजी हैंडल करना। आज बहुत से बच्चे मोबाइल को एडिक्ट हो गए और उनको बहुत स्कूल का बहुत स्ट्रेस हो गया है, उनको कैसा एक करना। और उनको आजकल बच्चों में एक्सरसाइज नहीं है, खेलना कूदना नहीं है। हम बचपन में बहुत खेलते थे कूदते थे, आज वो नहीं है। तो उसके बारे में जो है ना वर्कशॉप चल रहा है, ये वर्कशॉप सभी को सब हर घर तक पहुंच रहे हैं, सभी को अच्छा होने को शुभकामनाएं देता हूं। तो बात मैं करता हूं। बसो कल्याण में आज हेलमेट अवेयरनेस के लिए बसो कल्याण टाउन सीपीआई अली साहब, पीएसआई अम्बरीश, ट्रैफिक पीएसआई सुवर्णा और पूरी टीम मिलकर ऑटो में माइक लगाकर हेलमेट अवेयरनेस के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं और हेलमेट पहनना कितना जरूरी है इसकी जानकारी दी और सभी जनता को हेलमेट पहनने को कहा। बसो कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक को सूखा राहत मुहैया कराने में कथित देरी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया और पूछा कि क्या बीजेपी सरकार राज्य से बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 236 तालुकों में से 216 सूखे से प्रभावित हैं और स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करने वाली एक केंद्रीय टीम भी इस बारे में आश्वस्त है। फिर भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सिद्धरामैया ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राज्य में 216 तालुक गंभीर सूखे से प्रभावित हैं। अब तक केंद्र द्वारा मुआवजे का एक पैसा भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल दागे। कर्नाटक सीएम ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया और उनके दुखों के लिए धड़कने वाला आपका बड़ा दिल कन्नड़ी लोगों के लिए प्रति इतना कठोर क्यों है? क्या आपके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कर्नाटक से बदला ले रही है? उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ मेरा सवाल नहीं है बल्कि 6.5 करोड़ स्वाभिमानी कन्नड़ लोगों का सवाल है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में स्थित नीलम अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। विवरण के अनुसार शांतिनगर निवासी एक गर्भवती महिला मंगलवार को प्रसव के लिए अस्पताल आई थी, जिसने शाम को 11:30 बजे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया। दूसरे दिन हाई ब्लड प्रेशर के कारण कल शाम 5 बजे महिला की अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टर्स की लापरवाही का हवाला देते हुए अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। जहीराबाद पुलिस जांच में जुटी है। बता दें कि इस अस्पताल का उद्घाटन 30 जुलाई को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने किया था। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। नवरात्र खत्म होने के बाद प्याज की कीमत में जबरदस्त तेजी आई है। दिवाली से पहले कुछ शहरों में प्याज की खुदरा कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। नवरात्र से पहले अलग अलग शहरों में प्याज 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, लेकिन कीमत में अचानक आई तेजी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि इसके बाद प्याज को दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग शहरों में 25 रुपए प्रति किलो पर बिक्री की जाएगी। सरकार की तरफ से एक बयान में बताया गया कि प्याज की औसत कीमत बढ़कर 47 रुपए किलो के स्तर पर चल रही है। महंगी प्याज से राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 25 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर बफर स्टॉक से बिक्री बढ़ाने का फैसला किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार प्याज के देश भर में औसत खुदरा कीमत बढ़कर 47 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये कीमत एक साल पहले की समान अवधि में 30 रुपए प्रति किलो थी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। MP MLA कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। मुख्तार के भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अफजल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक अफजल अंसारी जमानत पर। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482129। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण का ग्राफ भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों की सांसों का संकट बन गया है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। वहीं दिवाली का त्योहार आने में भी कुछ दिन शेष बचे हैं और प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके कारण लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 249 पर है। वहीं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शुक्रवार सुबह दिल्ली के तमाम इलाकों में AQI 300 के पार हो गया। आनंद विहार और शादीपुर डिपो इलाके में AQI बहुत खराब दर्ज किया गया। चुनाव से पहले नेताजी के कई स्टंट हमने देखे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश बुरहानपुर में ठाकुर प्रियंका सिंह गधे पर सवार होकर अपना नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। ठाकुर प्रियंका सिंह एक निर्दलीय नेता हैं, जो इस बार चुनावी दंगल में उतरने वाले हैं। जब उनसे गधे पर सवार होकर नामांकन के लिए जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल राजनीतिक दल परिवारवाद से भरा हुआ है और सभी पार्टी जनता को गधा बनाने का काम कर रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो गधे पर बैठकर नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सैयद इनायत अली सेक्रेटरी के PCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नामांकन। आज कर्नाटक साहित्य संघ सांस्कृतिक हॉल बीदर में लोकगीत महोत्सव का किया गया आयोजन। ब्रिम्स कॉलेज कैंपस के लेक्चरर हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 89वां वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री का बड़ा दिल, कन्नड़ियों के प्रति कठोर क्यों, राज्य में सूखे हालात को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हुए हमलावर। दिवाली से पहले महंगी हुई प्याज, आंसू रोकने के लिए सरकार ने कर दिया ये ऐलान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।